आम बजट पेश होने में बस थोड़े ही दिन और बाकी हैं। मिडिल क्लास हो या फिर किसान वर्ग, सबको वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। जानकार मान रहे हैं कि इस बार सरकार किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा टैक्स छूट और केसीसी और सब्सिडी वाले सोलर पंप पर खुशखबरी मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह, आपका स्वागत है गुड रिटर्न्स पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में देश का बजट पेश करेंगी। बजट में किसानों के लिए चार बड़े ऐलानों की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल मिलने वाली राशि को बढ़ाई जा सकती है, जो कि फिलहाल 6000 रुपए है। इसे 8000 रुपए तक किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए 3 लाख रुपए तक की कर्ज दिए जाते हैं, जिसको बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। साथ ही इस लोन पर ब्याज दरों को 7% से घटाकर 4% भी किया जा सकता है, यानी कि 3% की सब्सिडी दी जा सकती है। अनुमान है कि सब्सिडी पर मिलने वाले सोलर पंप के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एग्री इक्विपमेंट पर टैक्स की कटौती भी हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से खेती किसानी में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों पर लगने वाले GST को हटाने या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का फायदा देने की डिमांड की जा रही है। ऐसे में सरकार बजट में GST को हटाकर किसानों को खुश करना चाहेगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।